नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 12 अगस्त, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सरकारी स्कूल में शिक्षण प्रबंधन व्यवस्था को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किया नया गाइडलाइन। बिहार में लागू होगी कचरा प्रबंधन की नई व्यवस्था। स्कूल से फरार चल रहे शिक्षकों को सीधे बर्खास्त करने की तैयारी कर रहा शिक्षा विभाग। पंकज त्रिपाठी ने अपने पुराने दिनों को किया याद। इन आसान स्टेप्स की मदद से घर बैठे बनवा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। रक्षाबंधन के अवसर पर इन चीजों को ध्यान में रखकर साइबर ठगी से रहे सावधान। अमेरिका ने सूर्य कुमार यादव को किया सम्मानित। अब चले बढ़ते 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने 10वीं 12वीं पास के लिए निकाली भर्ती। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने 195 पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती डीजल मैकेनिक सहित कई पदों के लिए है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट hindustancopper.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने 10वीं और 12वीं पास किया हो, साथ ही ITI सर्टिफिकेट हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को जरूर देखें। बिहार में लागू होगी कचरा प्रबंधन की नई व्यवस्था। बिहार में कचरा प्रबंधन को लेकर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी चल रही है। इस नई व्यवस्था के तहत निकायवार कचरा प्रबंधन की योजना को शहरों की भौगोलिक स्थिति और आबादी को ध्यान में रखते हुए लागू किए जाएंगे। इसके लिए कचरे की पृथककरण और पुनर्चक्रण के लिए शहरों में नए प्लांट लगाए जाएंगे। पटना में सितंबर महीने से ये व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके लागू हो जाने के बाद पटना और कुछ प्रमुख शहरों में मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी प्लांट लगाकर इसमें से हर रोज कई टन कचरे की प्रोसेसिंग करवाई जाएगी। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे भोजपुर के बारे में। भोजपुर बिहार का एक जिला है जिसका उदय वर्ष 1972 में हुआ था। इस जिले में आपको धार्मिक स्थान से लेकर और भी कई ऐतिहासिक इमारतें देखने को मिल जाएंगी, जिसमें तरारी का सूर्य मंदिर, वीर कुंवर सिंह किला, जगदीशपुर, महाराजा कॉलेज आरा, शाहजी मस्जिद, मौला बाग का करबला मस्जिद, अरण्य देवी मंदिर, चतुर्भुज नारायण मंदिर, जैन सिद्धांत भवन, वेंकटेश मंदिर, शाहजी जमा मस्जिद जैसे और भी कई स्थान शामिल हैं। इन जगहों पर आप घूमने जा सकते हैं। इन आसान स्टेप्स की मदद से घर बैठे बनवा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। इन आसान स्टेप्स की मदद से घर बैठे बनवा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। आप घर बैठे भी कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। घर बैठे इसे कैसे आसानी से बनवाया जाए इसकी जानकारी IPRD ने दी है। इसके तहत सबसे पहले आपको sarthi.parivahan.gov.in पर जाना होगा। यहाँ अप्लाई फॉर न्यू ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करना होगा। इंस्ट्रक्शन पढ़कर कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। फिर लर्निंग लाइसेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट भरना होगा। उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दें। फिर DL टेस्ट टाइम स्लॉट बुक कर दें। उसके बाद पेमेंट कर दें। अब आपके फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस दौरान मिलने वाले रिसीट को सुरक्षित रख लें। ध्यान रखें, निर्धारित तारीख पर RTO जाकर ड्राइविंग लाइसेंस देने के बाद आपका लाइसेंस निर्गत हो जाएगा। खतरे के निशान से ऊपर बह रहा पटना में गंगा नदी, जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। पिछले दो दिनों से राज्य में हो रही बारिश की वजह से बिहार की राजधानी पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है और पटना का NIT घाट पर गंगा पानी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। NIT घाट पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। खतरे के निशान को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा पटना में गंगा नदी में नाव के परिचालन को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि इसके बावजूद कई लोग नियमों से खिलवाड़ करते हुए अपने जान को खतरे में डाल रहे हैं और उफनती लहरों में डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किए हैं और उन्हें चेतावनी दी। खो गया है आधार कार्ड तो इस आसान तरीके से आधार नंबर का लगाएं पता। आधार कार्ड भारत में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका उपयोग कई सरकारी योजनाओं, बैंकिंग सेवाओं, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड निवेश में होता है। यदि आधार कार्ड खो जाता है और आधार नंबर हमें नहीं मिल पाता
तो आप इसे UIDAI की वेबसाइट myaadhar.uidai.gov.in पर जाकर पुनः प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर अपना नाम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल और कैप्चा कोड भरना होगा। इसके बाद सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करना होगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी दर्ज करना होगा। इसके सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज करें। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपके स्क्रीन पर आधार नंबर और संबंधित जानकारी दिखाई देगी। आप यहां से अपना ई आधार कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से आप आसानी से अपने आधार नंबर प्राप्त कर सकेंगे। सरकारी स्कूल में शिक्षण प्रबंधन व्यवस्था को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किया नया गाइडलाइन। शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षण प्रबंधन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मार्गदर्शिका जारी किया गया। अब इस मार्गदर्शिका के अनुसार स्कूलों का संचालन किया जाएगा। विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर DEO रजनीकांत प्रवीण द्वारा सभी शिक्षकों को मार्गदर्शिका उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। मार्गदर्शिका में स्कूलों में शिक्षकों की भूमिका और दायित्वों को 5 श्रेणी में बांटा गया है। इसमें छात्र स्वरूप, विद्यालय प्रबंधन, कक्षा व प्रबंधन व अभिभावक प्रबंधन शामिल है। इसमें स्कूल से लेकर वर्ग संचालन के दौरान किन किन बिंदुओं पर किस प्रकार से कार्य करना है, इसकी कर्मवार जानकारी दी गई। पटना के तारा मंडल में बनेगा वर्चुअल रियलिटी थिएटर। बिहार की राजधानी पटना के तारा मंडल में वर्चुअल रियलिटी 3D बनाया जाएगा। इसका निर्माण 5,59,00,000 रुपए की लागत से किया जाएगा। ये थिएटर लोगों को काल्पनिक दुनिया में रहने के बाद भी असल दुनिया का आभास करवाएगा। इस थिएटर में लोगों के बैठने के लिए भी एक विशेष डिजाइन की कुर्सियां तैयार की जा रही हैं। हॉल में एक साथ 25 कुर्सियां लगाई जाएंगी। इस थिएटर में आने वाले दर्शकों को हेड गियर दिया जाएगा। ये हेड गियर कुछ ऐसा होगा जिसकी मदद से लोग आभासी दुनिया में भी वास्तविक दुनिया का अनुभव कर पाएंगे। स्कूल से फरार चल रहे शिक्षकों को सीधे बर्खास्त करने की शिक्षा विभाग कर रहा तैयारी। बिहार के सरकारी स्कूल से फरार चल रहे शिक्षकों पर गाज गिरने वाली है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के रडार पर राज्य के 569 शिक्षक हैं जो बिना बताए स्कूल से फरार चल रहे हैं। इन सभी शिक्षकों को अब सीधा बर्खास्त किए जाने की तैयारी है। शिक्षा विभाग के अनुसार बिहार के 71,863 प्रारंभिक स्कूलों में और 9,360 माध्यमिक स्कूलों में कड़ी निगरानी है और निगरानी के दौरान 17,600 शिक्षक स्कूल से गायब मिले हैं। इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। फरार चल रहे शिक्षकों का शिक्षा विभाग वेतन काट रही है। वहीं 6 माह से लेकर 2 साल से फरार चल रहे 569 शिक्षकों को बर्खास्त करने की अनुशंसा की गई है। रक्षाबंधन के अवसर पर इन चीजों को ध्यान में रखकर साइबर ठगी से रहे सावधान। भारत में रक्षाबंधन 19 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधेंगी। ऑनलाइन शॉपिंग का चलन बढ़ चुका है। राखी के दौरान भी भाई बहन ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ऐसे त्योहारों में ऑनलाइन खरीदारी का चलन बढ़ने के साथ जालसाज इस अवसर का फायदा उठाने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। फ्रॉड से बचने के लिए आपको कई सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। ऐसे समय में फेक वेबसाइट से भी लोग ठगी के शिकार होते हैं। ऑनलाइन खरीदारी करते समय असली और नकली वेबसाइट्स में फर्क पहचानना भी जरूरी है। फेक वेबसाइट असली वेबसाइट की तरह दिख सकते हैं और आपको ठगी का शिकार बना सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर सस्ते ऑफर्स, सोशल मीडिया पर दिखने वाले अत्यधिक सस्ते ऑफर्स पर जल्दी विश्वास ना करें। इन ऑफर्स की जांच करें और केवल विश्वसनीय वेबसाइट से ही कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प चुनें। इसके अलावा फेक लिंक्स पर भी ध्यान दें। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या मैसेज के जरिए लुभावने ऑफर्स भेजे जा सकते हैं। इन पर क्लिक करने से आपका मोबाइल हैक हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें। पंकज त्रिपाठी ने अपने पुराने दिनों को किया याद। पंकज त्रिपाठी ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा है कि जब मैं बिहार से मुंबई आया था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ बड़े सितारे हैं और ये लोग मेरी फिल्में देखने के लिए टिकट खरीदेंगे। अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मुझे ऐसा करना चाहिए था। इस दौरान पंकज त्रिपाठी ने बताया कि फिल्म या शो के रिलीज होने के दौरान मैं कभी नर्वस नहीं होता हूँ। इस दौरान मैं खुद को संतुलित बनाए रखता हूँ क्योंकि हमारा काम शूटिंग के दौरान हो गया था। पढ़ाई के साथ अब बिहार के स्कूलों में स्वरोजगार का दिया जाएगा प्रशिक्षण। अब बिहार में सरकारी स्कूलों के बच्चों को पढ़ाई के साथ ही रोजगार के लिए भी प्रशिक्षित किया जाएगा। छात्रों को स्कूल में ही स्टोन कटिंग, बांस और बोर्ड की सामग्री बनाना, कलाकृति सहित अन्य सामग्री बनाने की कला सिखाई जाएगी। इसके लिए बिहार के सरकारी स्कूलों में शिल्प कला पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
शिल्प कला के लिए विशेष क्लास में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा स्कूल में खेलकूद, गीत संगीत, डांस, अन्य हुनर सिखाए जाएंगे। इसकी शुरुआत 15 अगस्त से की जाएगी। इस दौरान स्कूल में नाटक, कविता, संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक के लिए बिहार के शैलेश कुमार का हुआ राष्ट्रीय टीम में सिलेक्शन। 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक पेरिस में होने वाले पैरालंपिक खेलों के लिए बिहार के खिलाड़ी का चयन किया गया है। बिहार के जमुई के रहने वाले शैलेश कुमार का चयन पैरालंपिक के लिए राष्ट्रीय टीम में किया गया है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन संकरन ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि पुरुष हाई जंप T-42-63 श्रेणी में शैलेश कुमार का चयन किया गया है। बता दें कि शैलेश कुमार पिछले एशियन पैरा गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता हैं और उनकी इस उपलब्धि और योग्यता के आधार पर उन्हें बिहार सरकार द्वारा खिलाड़ियों के लिए अपनी महत्वाकांक्षी योजना मेडल लाओ नौकरी पाओ के अंतर्गत क्लास 1 की सरकारी नौकरी देकर सम्मानित किया गया था। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का ऐसे उठाए लाभ। बिहार में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना चलाई जा रही है। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको apps.bih.nic.in/mmgpy पर जाना होगा। यहां आने के बाद खुद को रजिस्टर्ड कर ले, फिर जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मैट्रिक योग्यता प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस डालकर अप्लाई कर दे। योजना के आवेदन की अंतिम तिथि 25 अगस्त है। योजना के लिए आवेदन करने वालों को बस खरीदने के लिए 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य है राज्य में प्रखंडों और सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए बस उपलब्ध करवाना। बिहार के इन जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट हुआ जारी। बिहार में सक्रिय मॉनसून की वजह से लगातार बारिश देखने को मिल रही है। प्रदेश की कई नदियों का जलस्तर भी लगातार बारिश की वजह से बढ़ता ही जा रहा है, जिस वजह से बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। आज प्रदेश में अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। आज पश्चिम चंपारण में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश को लेकर येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गोपालगंज, सिवान, पूर्वी चंपारण, कटिहार और भागलपुर जिले में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की संभावना है। सीएम नीतीश और राज्यपाल आर्यलेकर ने 7 शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बीते दिन शहीद दिवस के अवसर पर सीएम नीतीश और राज्यपाल आर्यलेकर ने 7 शहीद स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। शहीद स्मारक परिसर पटना में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजकीय समारोह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत और भी कई बड़े नेता मौजूद रहे। सिपाही भर्ती परीक्षा में 3 लोग नकल के आरोप में हुए गिरफ्तार। बीते दिन सिपाही भर्ती परीक्षा में शेखपुरा जिले से एक परीक्षार्थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसे गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ के दौरान परीक्षार्थी ने बताया उसे 2 लोग नकल करवा रहे थे, जिसके बाद से उन दोनों को भी शेखपुरा शहर के एक विवाह भवन से गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के पास से मोबाइल, ATM कार्ड और कई वॉकी टॉकी भी जब्त किए गए हैं। परीक्षार्थी की पहचान भागलपुर के राजीव कुमार के रूप में हुई है। वहीं जो लोग इसे नकल करवा रहे थे वे भी भागलपुर के ही रहने वाले हैं। इनका नाम अमृत और योगेश कुमार है। सरकारी स्कूलों के बच्चे JEE और नीट परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट में आ रहे हैं अव्वल। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की पहल पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के उद्देश्य से प्रत्येक महीने JEE और नीट परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट आयोजित की जा रही है। इसमें जिले के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों का प्रदर्शन बेहद बेहतर देखने को मिला है। जुलाई में आयोजित हुई मॉक टेस्ट में जिले के कुल 794 छात्रों ने भाग लिया था, जिसमें कि 120 विद्यार्थियों को 50 से 70% अंक प्राप्त हुए थे, जबकि 75 विद्यार्थियों को 70 से 100% अंक मिले थे। जिले में 7 छात्राओं को मॉक टेस्ट में 100% अंक प्राप्त हुए हैं। इनमें से 6 छात्राएं गवर्नमेंट स्कूल की छात्राएं हैं। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के MLC चुनाव के लिए RJD ने इसे बनाया अपना उम्मीदवार। बिहार के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए होने वाले MLC चुनाव के लिए राजद ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने प्रेस रिलीज जारी कर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। तिरहुत स्नातक क्षेत्र से राजद ने गोपी किशन को अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा है।
बता दें कि जदयू के देवेश चंद्र ठाकुर के इस सीट से एमएलसी पद से इस्तीफा देने के बाद विधान परिषद की ये सीट खाली हुई थी। इस सीट से जदयू ने पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। महिलाओं में यूरोलॉजिकल समस्याओं को लेकर जागरूकता जरूरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। इन दिनों महिलाओं में यूरोलॉजिकल समस्या अधिक देखने को मिल रही है। इस क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए बिहार यूरोलॉजिकल सोसाइटी और मेडिवर्सल मात्री की ओर से फीमेल यूरोलॉजी हाइब्रिड वीडियो वर्कशॉप आयोजित की गई थी। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य जगत में अब तक महिला यूरोलॉजी सबसे अपेक्षित क्षेत्र रहा है और महिलाओं में यूरोलॉजिकल समस्याओं को दूर करने के लिए उनके बीच जागरूकता जरूरी है। दरअसल महिलाओं में किडनी, यूट्रस, ब्लैडर और पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड में किसी तरह की दिक्कत आने को यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कहा जाता है। महिलाओं में प्रसव के उपरांत संक्रमण और अन्य कारणों से विभिन्न प्रकार की मूत्र रोग संबंधी समस्या आ रही है, जिसका सही समय पर ठीक तरीके से इलाज नहीं होने पर ये समस्या और गंभीर हो सकती है। मोदी सरकार और नीतीश सरकार पर भर के तेजस्वी यादव। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए बिहार को नीतीश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर करा प्रहार किया है। तेजस्वी यादव ने खेलों के विकास के लिए बिहार को मिली मदद पर केंद्र और बिहार सरकार से तीखे सवाल किए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने अपने पोस्ट में कहा है कि 6 करोड़ की आबादी वाले गुजरात को खेलो इंडिया के तहत खेलों के विकास के लिए 606.4 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि 13 करोड़ से अधिक आबादी वाले बिहार को मात्र 20 करोड़ रुपए, जबकि ज्यादा पदक लाने वाले हरियाणा को केवल 66.59 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार से सवाल किया है कि मोदी सरकार सिर्फ गुजरात को ही क्यों प्रमोट करती है। उन्होंने कहा, गुजरात को हीरे और बिहार को कीरे ऐसा मोदी सरकार क्यों करती है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में मुख्यमंत्री मोदी सरकार के सामने मुंह नहीं खोल पाए और ना ही खोल पाएंगे। अमेरिका ने सूर्य कुमार यादव को किया सम्मानित। अमेरिका ने टीम इंडिया के T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव को एक खास तोहफा दिया है। इन्हें न्यूयॉर्क की यांकीज बेसबॉल टीम की तरफ से सम्मानित किया गया है और गिफ्ट में एक जर्सी भी दी गई है। इस जर्सी पर सूर्य कुमार और नंबर 63 लिखा हुआ है। मालूम हो कि अमेरिका में बेसबॉल का अच्छा खासा क्रेज देखने को मिलता है। हालांकि अब धीरे धीरे वहां क्रिकेट भी काफ़ी फेमस हो रहा है, साथ ही वहाँ के लोगों के बीच भारतीय क्रिकेटरों की लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1765 में इलाहाबाद संधि के तहत भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत हुई थी। आज के ही दिन वर्ष 1919 में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 2009 में भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सी रंगराजन को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आज के दिन वर्ष 1931 में इरफान हबीब का जन्म हुआ था, ये एक भारतीय इतिहासकार रहे। केंद्र सरकार द्वारा 12,000 रुपए देने को लेकर वायरल हो रहा ये खबर। न्यू गवर्नमेंट जॉब 1287 नाम के एक यूट्यूब चैनल पर वीडियो थंबनेल में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार प्रत्येक व्यक्ति को 12,000 रुपए देगी, लेकिन आपको बता दें कि ये खबर पूरी तरह से फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है, इसलिए इस तरह की खबरों पर ध्यान देने से बचे। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर को साझा किया है, साथ ही ऐसे खबरों के झांसे में नहीं आने की बात कही। अब ऐसी स्लीपर और जनरल कोच की अलग अलग चलेगी वंदे भारत। रेलवे प्रशासन वंदे भारत में एक नई व्यवस्था करने जा रहा है। इस नई व्यवस्था के तहत एसी स्लीपर और जनरल कोच की अलग अलग वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी, साथ ही अमृत भारत ट्रेनों के अलावे सामान्य एक्सप्रेस ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। रेलवे ये व्यवस्था इसलिए कर रहा है ताकि ट्रेन में होने वाली भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। इस योजना के प्रस्ताव को पूर्वोत्तर रेलवे और अन्य जोन द्वारा तैयार कर लिया गया है। हालांकि इसे लेकर रेलवे बोर्ड और क्षेत्रीय रेलवे के बीच में बातचीत चल रही है। रेल मंत्रालय जब इस योजना को मंजूरी दे देगा तब इसे लागू कर दिए जाएंगे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसका जवाब बताएंगे, जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 5 अगस्त, ऑप्शन बी है 7 अगस्त, ऑप्शन सी है 6 अगस्त, ऑप्शन डी 8 अगस्त। इसका सही उत्तर है 7 अगस्त।
हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई कर भुगतान जमा बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिए हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी 8। इसका सही उत्तर है 5। हाल ही में द्विपक्षीय वायु अभ्यास उद्धार शक्ति 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन है कनाडा, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है मलेशिया, ऑप्शन डी है जापान। इसका सही उत्तर है मलेशिया। बिहार राज्य खेल परिषद की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1992। इसका सही उत्तर 1961। बिहार में किस बैंक की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन डी है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका सही उत्तर है इलाहाबाद बैंक। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है मोहम्मद असगर कमाल, उमेश ऋषिदेव, नो कोलू कुमार, मुन्ना प्रसाद, रवि कुमार राम, कोनर शर्मा, छोटू राजा, वीरेंद्र कुमार, सूरज कश्यप, राम रमेश मांझी, सब्बीर अंसारी, विवेक कुमार, अभी संजय कुमार, विनय कुमार, पंकज कुमार दास, अनवर करीम खान, शिव कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में कई परीक्षाओं में नकल की खबरें सामने आई हैं, आपके मुताबिक परीक्षाओं में सख्ती बरतने और कदाचार को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।